Hi, I'm Dr. P.K. Talwar, cosmetic surgeon, New Delhi, and I'm practicing cosmetic surgery for more than 30 years now. Previously, I was attached to Apollo and Max Hospitals, and now I'm running my own cosmetic laser surgery center at Greater Kailash Parbat, New Delhi. आज हमारी क्लिनिक में एक लेडी आई थी, मिडिल एज थी, अराउंड 40 इयर्स एज थी, और वो ब्रेस्ट सस्पेंशन के बारे में, उनके ड्रूपिंग थी ब्रेस्ट की, उसके बारे में वो जानकारी चाहती थी, और हमारा बड़ा अच्छा डिस्कशन हुआ उनके साथ, और वो क्यूरियस थी जानने के लिए कि भाई ये इंटरनल ब्रा टेक्निक क्या होती है। तो जब उनके साथ डिस्कशन हो तो मुझे अचानक से ये आइडिया आया कि शायद मैंने आप लोगों के साथ इस टॉपिक पर कभी बात नहीं की है, या आप लोगों के साथ कभी डिस्कस नहीं किया है। तो जब आज चली गई वो, तो मुझे लगा कि हाँ, इसके बारे में बैठ के आपसे थोड़ी चर्चा भी कर लूँ, थोड़ा नया टॉपिक हो जाएगा आपके लिए और आपको भी नॉलेज मिल जाएगी कि इंटरनल ब्रा टेक्निक क्या होती है। तो देखिए, ऐसा है कि मैं आपको अलग तरह से समझाऊंगा, मेरा अपना एक तरीका है, शायद आपको पसंद आए ना आए। देखिए, ब्रा क्या होता है, एक होता है एक्सटर्नल ब्रा, जो महिलाएं ब्रा पहनती हैं वो इसलिए पहनती हैं कि उनकी ब्रेस्ट को सपोर्ट मिले बाहर से, तो हम उसको एक्सटर्नल ब्रा बोलेंगे। अब इंटरनल ब्रा क्या हुआ, इंटरनल ब्रा का मतलब ये हुआ कि जो बॉडी के अंदर ही ब्रा है जिसको डाल दिया जाए और जो ब्रेस्ट को सपोर्ट दे। अब ये कैसे हो सकता है, प्रश्न आप यही पूछेंगे। तो देखिए, होता क्या कि जो ब्रेस्ट में जब हमें टिश्यू को उठाना होता है तो निप्पल के चारों तरफ अगर आप कट लगाएंगे तो उस और डिसेक्ट करेंगे ब्रेस्ट को, जब स्किन से अलग करेंगे तो एक स्पेशल मेश आती है। मेश मतलब आप ये समझिए कि जैसे जाली जाली है, एक तरह की जाली आती है, आर्टिफिशियल जाली आती है जो हम बॉडी में डालते हैं, तो उस जाली को जब हम अंदर डालेंगे और उसको ऊपर सिल देंगे तो वो ब्रेस्ट उसी शेप में टिकी रहेगी, तो वो इंटरनल ब्रा का काम करेगी। और ये जो मेश होती है ये प्रैक्टिकली हार्मलेस होती है, और 1.5-2 साल बाद कहते हैं कि वो धीरे धीरे डिजॉल्व भी होना शुरू हो जाती है, और डिजॉल्व हो जब तक वो डिजॉल्व होती है तब तक जो है उसमें इतने अच्छे एडहेशंस बन चुके होते हैं कि वो इंटरनल ब्रा की ही तरह काम करते हैं। मतलब आप जो ब्रा ने जैसे आपके एक्सटर्नल ब्रा ब्रश को उठाती है वैसे ही वो उसको उठा के रखती है। तो ब्रश सस्पेंशन में क्या होता है, एक्चुअली हमें सस्पेंशन क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं कि ब्रश लटक जाती है, तो अब हमने सस्पेंड किया तो उसको उठा दिया। तो जो इंटरनल ब्रा टेक्निक है कि बॉडी के अंदर एक अलग तरह की मेश डाल दी जाए जो कि ब्रा का काम करे बॉडी में बिना एक्सटर्नल ब्रा के भी, तो उसको हम लोग इंटरनल ब्रा बोलते हैं। तो ये बड़ा अच्छा डिस्कशन लेडी के साथ हुआ था, वो शायद अगले हफ्ते आ रही हैं सर्जरी कराने, तो मुझे फिर ये आइडिया है कि मैं आप लोगों से भी शेयर करूं कि व्हाट इज इंटरनल ब्रा। तो ये एक्चुअली यही इंटरनल ब्रा है जिसके बारे में आपको इस कंसेप्ट को बताना चाहता था कि क्या है, और मुझे उम्मीद है कि अब आपको भी थोड़ा उसके बारे में आइडिया लग गया होगा, ब्रेस्ट सस्पेंशन जो लटकी हुई ब्रेस्ट को उठाने के लिए इसमें किस तरह से उठाते हैं और इंटरनल ब्रा क्या है। और इसके अलावा अगर आपके मन में इससे रिलेटेड कोई प्रश्न है, कोई शंका है, तो आपका स्वागत है, आप हमारी टीम से संपर्क करें। हमेशा की तरह हमें बड़ी खुशी होगी आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया से लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।